गोल्डन ऑटो वाला चंदर श्याम नगर में अपने पिता के साथ रहता था। वह कोई काम नहीं करता था, बस पूरा दिन आवारा लड़कों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। चंदर के पिता एक ऑटो ड्राइवर थे। उन्होंने एक दिन गुस्से में चंदर से कहा, चंदर तू कब तक यूं आवारा लड़कों के साथ घूमता रहेगा? बेटा कोई काम धंधा क्यों नहीं करता? देख मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर तो कोई काम करे तो मैं तेरी शादी वादी करके गांव वापस चला जाऊं। यह सुनकर चंदर अपने पिता से कहता है, मुझे नहीं करनी नौकरी वोकरी, मुझे तो कोई काम करना है। अरे क्या काम करेगा तू? पिताजी मैं ऑटो चला लूंगा, लेकिन किराए का नहीं, मैं खुद का ऑटो चलाऊंगा। क्यों बेटा क्या बात है, तुम किराए का ऑटो क्यों नहीं चलाना चाहते? मैंने भी तो सारी उम्र चलाया है। नहीं पिताजी, इसीलिए तो आप कुछ नहीं बचा पाए, सारा पैसा तो आप किराए में ही दे देते थे, मैं तो बस अपना ऑटो ही चलाऊंगा। यह सुनकर चंद्र के पिता सोच में पड़ जाते हैं और वो मेहनत करके एक एक पैसा जोड़कर चंद्र को एक ऑटो खरीद कर ला देते हैं। यह देखकर चंद्र खुश हो जाता है और अपने पिता से कहता है, पिताजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अब देखना मैं कैसे इस लोहे के ऑटो को गोल्डन ऑटो में बदल देता हूँ। अगले ही दिन से चंदर ऑटो चलाना शुरू कर देता है और वह अपना काम बहुत मेहनत और ईमानदारी से करता है। वह कभी भी किसी सवारी को जाने से मना नहीं करता था। अरे भैया ऑटो रिक्शा वाले जरा रुकना, कृष्णा करी चलोगे? हाँ हाँ मैडम जरूर चलेंगे। कितने पैसे लोगे? मैडम जितने पैसे मीटर में बने वही दे देना। मीटर से चलोगे? अरे वाह, ये बात तो आजकल सुनने को भी नहीं मिलती, बहुत अच्छे भैया। चंदर अपने व्यवहार के कारण बाकी ऑटो वालों से अधिक काम करने लगा। काम के साथ साथ वह अपने ऑटो को गोल्डन कलर में सजाने लगा। उसने अंदर से पूरे ऑटो को गोल्डन कलर से रंग दिया। चंदर की तरक्की देख सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे और उससे कहने लगे, अरे चंदर भाई कितना सजाएगा अपने ऑटो को, तू तो सवारियों से पैसे भी जायज ही लेता है। नहीं भाई ऐसी बात नहीं, सवारियां तो भगवान की तरह है और यह ऑटो मेरा मंदिर। चंदर के इसी व्यवहार के कारण सवारियां भी कहती थी, भाई अगर जाना हो तो चंदर के गोल्डन ऑटो में ही जाना, क्योंकि चंदर का ऑटो भी गोल्डन है और चंदर का व्यवहार भी गोल्डन है। और चंदर अपने व्यवहार के कारण शहर में गोल्डन ऑटो वाले के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। गिरपुर नामक एक गाँव में दो चोर मोनू और सोनू हुआ करते थे। वे बहुत खतरनाक और शातिर चोर थे। अरे सोनू हम लोग पुलिस बन जाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगले ही दिन दोनों पुलिस का वर्दी पहनकर रास्ते में खड़े हो गए। अरे सोनू उस साइकिल वाले को रोको। साइकिल वालों को रोककर सोनू ने पैसे मांगना शुरू किया। बिना हेलमेट के साइकिल चलाना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब साइकिल चलाने के लिए कौन हेलमेट पहनता है, और मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं है। अरे बेवकूफ, सड़क के ऊपर चलने वाला हर किसी को हेलमेट पहनना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए सोनू और मोनू ने मिलकर साइकिल को जब्त कर लिया और साइकिल वाला दुखी होकर सड़क पर खड़ा रह गया। अरे सोनू उस ऑटो वाले को रोको। क्या हुआ साहब, मेरे पास तो पेपर्स लाइसेंस सब है। तुझे मालूम नहीं क्या ट्रिपल राइडिंग करना जुर्म है, निकाल 1000 रुपए। अरे साहब ये तो ऑटो है। मोनू ने ऑटो को भी जब्त कर लिया और अपनी जीप के पैसे रख दिया। दोनों मिलकर ऐसे ही गाड़ियों को रोककर जब्त करने लगे। ये सब कुछ एक प्रेस वाला पेड़ के पीछे से वीडियो शूट कर रहा था। अरे सोनू आज तो हमें बहुत सारे गाड़ियां मिली हैं, इन्हें बेचकर हम लोग बहुत पैसे कमाएंगे। तभी प्रेस वाले ने गांव वालों को लेकर उन चोरों को घेर लिया और कैमरा में रिकॉर्ड हुए दोनों चोरों की हरकतों को उनको दिखाते हुए बोले, तुम लोग इन गाड़ियों को गांव वालों को वापस कर दो, नहीं तो ये वीडियो असली पुलिस वालों को दिखा देंगे। ये सुनते ही दोनों चोर डर गए और गांव वालों की गाड़ियों को वापस लौटा दिया और गांव वाले उस प्रेस वाले की चतुराई का बहुत तारीफ करने लगे। सुंदरनगर में अमित नाम का एक लड़का रहता था, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिला। एक दिन वह मायूस होकर गांव के चबूतरे पर पेड़ के नीचे बैठा हुआ था।
तभी एक बुजुर्ग स्कूल टीचर वहां से गुजरे। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम? अरे कौन, अमित कैसे हो बेटा, क्या कर रहे हो आजकल? बस गुरुजी, इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ सबको। बहुत दुखी लग रहे हो बेटा। हाँ गुरुजी, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी कोई काम नहीं मिला। बेटा तुम तो होशियार हो, मेहनती हो, कुछ भी काम कर लो। कल से तुम मेरे बेटे की मोटर वर्कशॉप में आ जाओ। अमित अगले ही दिन से गुरुजी के बेटे विक्रम की मोटर वर्कशॉप में काम करने लगता है। वह काम में इतना निपुण होता है कि किसी भी गाड़ी को देखते ही देखते ठीक कर देता है। एक दिन खाली बैठे बैठे उसके मन में कुछ नया करने का विचार आया, तो उसने विक्रम से कहा, विक्रम भाई, क्या मैं वर्कशॉप में पड़ा पुराना सामान इस्तेमाल कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। अमित अगले ही दिन से काम के साथ साथ खाली समय में अपना आविष्कार करने में लग जाता है। वह एक वैन की फ्रेम पर एक बड़ा इंजन रखकर उसमें गियर बॉक्स फिट कर देता है और उसमें बड़े और पतले टायर लगाता है। कुछ ही दिनों में वह एक ऐसी गाड़ी तैयार करता है जो दिखने में तो वैन जैसी लगती थी, लेकिन उसकी ऊंचाई काफी थी। वह गाड़ी इतनी ताकतवर थी कि किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते पर बड़े आराम से चलती थी। अमित और विक्रम जब अपनी गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो सभी लोग उसे देखकर हैरान हो गए। तभी गांव के चौराहे पर पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी को रोककर कहा, ऐसा नमूना लेकर निकलोगे तो तुम किसी को मार डालोगे, दोबारा इसे सड़क पर लेकर मत आना। कुछ दिनों बाद गाँव में बहुत तेज बारिश होती है और पूरे गाँव में पानी भर जाता है। कोई भी गाड़ी इस भरे पानी में नहीं चल पाती, इस कारण गांव वालों तक मदद नहीं पहुंच पाती है। तभी अमित अपनी गाड़ी को चलाना शुरू करता है। उसकी गाड़ी ऊंचे होने के कारण पानी में नहीं डूबती और ताकतवर होने के कारण पानी में बड़े आराम से चल पड़ती है। वह अपनी गाड़ी में खाने पीने का सामान और दवाइयाँ रखकर बाढ़ के पानी से घिरे लोगों के घर घर तक पहुँचाता है। सभी लोग उसकी तारीफ करते हैं और बाढ़ का पानी खत्म होने पर गांव के सभी लोग अमित और विक्रम को सम्मानित करते हैं। तब गुरुजी कहते हैं, हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, पता नहीं कब किसी की बनाई चीज हमारे काम आ जाए। फ्लाइंग ऑटो। नंदनगर में सोमू अपना ऑटो चलाता था। वह बहुत ही मेहनती और मिलनसार था। वह अपने ऑटो में बैठने वाले सभी लोगों से बड़े ही प्यार से बातें करता था, उन्हें सही जगह और सही पैसे लेकर पहुंचाता था। भैया, यूनिवर्सिटी चलोगे? हाँ जी, जरूर चलेंगे। कितने पैसे लेंगे आप? जो मीटर से बन जाए। ठीक है, मगर जरा जल्दी पहुंचा देना, एग्जाम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है। सोमू तेजी से ऑटो चलाकर उसे यूनिवर्सिटी पहुंचा देता है। उस इलाके के सभी लोग सोमू को फ्लाइंग ऑटो वाले के नाम से जानने लगे, क्योंकि वह ऑटो ऐसे चलाता था मानो कि ऑटो उड़ रहा हो। सोमू का काम सही चल रहा था, बाकी सभी ऑटो वाले उससे जलने लगे। ये सोमू का कुछ करना होगा, सारी सवारियां इसी के ऑटो में बैठती है। अरे हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। एक दिन जब सोमू अपना ऑटो स्टैंड पर खड़ा कर कहीं काम पर चला गया तो एक ऑटो वाले ने उसके ऑटो की ब्रेक फेल कर दी। अब चला फ्लाइंग ऑटो, ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब मजा आएगा। जब सोमू वापस आया तो ऑटो स्टैंड पर एक सवारी खड़ी थी। भैया, आर्मी स्टेशन कैंट चलोगे, जरा जल्दी है। हाय साहब, अगर जल्दी है तो सामने वाले ऑटो में बैठ जाओ, वह फ्लाइंग ऑटो है, समय से पहुंचा देगा। हाँ हाँ, आइए सर, मैं आपको समय पर पहुंचा दूंगा, बस आप ये अपना बड़ा पैकेट ऑटो के पीछे बांध दीजिए। और सोमू सवारी को ऑटो में बिठा अपनी स्पीड पकड़ लेता है और स्टेशन कैंट की ओर चल पड़ता है। बाकी सभी ऑटो वाले उसके जाते ही हंसने लगते हैं। अब आएगा मजा, जब ऑटो रुकेगा ही नहीं, अब फ्लाइंग ऑटो खत्म। आधे रास्ते में आते ही जैसे ही सोमू ने स्पीड कम करने की कोशिश की तो वह देखता है कि ब्रेक तो लग ही नहीं रहे। अरे अरे, मेरे ऑटो को क्या हो गया, मेरी ब्रेक क्यों नहीं लग रही? तभी वह आदमी कहता है, क्या हुआ भैया ऑटो वाले, तुम्हारी तो स्पीड कम नहीं हो रही, एक्सीडेंट करोगे क्या? अरे अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं आपको सही सलामत पहुंचा दूंगा।
सोमू ऑटो को गलियों से निकालकर एक खुली सड़क पर ले आता है। तभी ऑटो में बैठी सवारी बोलती है, अरे भैया ऑटो वाले, तुम फिक्र न करो, मैं अभी पीछे बंधा पैराशूट खोल देता हूँ। क्या कहा सर, पैराशूट? हाँ हाँ पैराशूट, तुम्हें पता नहीं मैं आर्मी में हूँ और अपना पैराशूट लेकर कहीं जा रहा था। और उसने ऑटो में बैठे बैठे ही हाथ बाहर निकालकर पैराशूट की रस्सी खोल दी और पैराशूट के खुलते ही हवा का दबाव कम होने से ऑटो की स्पीड कम हो गई और ऑटो रुक गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। भैया धन्यवाद तो आपका भी, आप सबको सही समय पर पहुंचाते हैं ना, लेकिन बाकी लोगों से सावधान रहे। सोमू उस आदमी का धन्यवाद करता है और अपना ऑटो सही कराकर फिर से चलाने लगता है। और फ्लाइंग ऑटो खत्म नहीं होता। प्लीज सब्सक्राइब।